हेलो नमस्ते, रिचि रसोई घर में आपकी स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं पपीते का सब्जी, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है 1.25 किलो का पपाया, तो इसे हम काट के रेडी करके मिलते हैं आपसे। आज इसी का सब्जी बनाएंगे। दोस्तों हमने पपीता को काट लिए, देखिए ये 1.25 किलो है, तो इतना मेरा बच गया है। ये बाद नेक्स्ट सब्जी पका सकती हूँ मैं। और वो काट के लिए देखिए इस तरीके से आपको साफ कर लेना है। देखिए छोटे छोटे टुकड़े में मैंने काट लिए, और इसमें जाएगा एक बड़े आलू लिया, एक टमाटर, दो हरी मिर्च, और जाएगा मटर। थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ है गर्म पानी और मैंने पपीता को धो लिया, और पपाया उबालेंगे। इसको उबाल के बनाया जाता है। और साथ में जो एक आलू लिया उसको भी मैं उबालने के लिए डालूंगी। साथ में इतना सा नमक दूंगी जी। 8 से 10 मिनट तक इसे उबालने के लिए छोड़ दिया हूँ। दोस्तों कढ़ाई मेरा गर्म है, और इसमें जाएगा थोड़ी सी तेल, ये रिफाइंड ऑयल है, और इसमें मैं मटर को फ्राई करूंगी। पहले एक तरफ मेरा पपाया उबल रहा है, तो मटर को फ्राई करूंगी। ये देखिए एक चुटकी हल्दी दिया, एक चुटकी नमक दिया है, मटर को इसमें फ्राई करूंगी। मटर बहुत चटकता है, इसलिए ढक दिया। दोस्तों मटर फ्राई हो चुका है, बहुत चटकने लगा है, तो इसे निकाल देती हूँ। दोस्तों मटर मैंने फ्राई करके निकाल लिया, अब इसमें और थोड़ा तेल जाएगा। दोस्तों देखिए थोड़ा सा कलौंजी, दो सूखा मिर्च इस तड़के में जाएगा। दोस्तों एक बारीक कटे हुए प्याज, ये है, इसे भी कर लेंगे बंद। दोस्तों ये है कटा हुआ टमाटर और हरी मिर्च, और थोड़ा सा नमक। इसे 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे। टमाटर पानी छोड़ दिया, अब इसमें थोड़ा सा अदरक पेस्ट, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ये मसाला जल ना जाए, थोड़ा सा पानी। दोस्तों ये है जीरा पेस्ट, भुना हुआ जीरा पेस्ट। एक 2 चुटकी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा पानी दिया क्योंकि मसाला जल रहा है। अब उबले हुए पपैया दे दूंगी इसमें। इसे भी हम 5 मिनट तक ऐसे भूनेंगे। तो थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, और वो पपैया उबालने के बाद जो आपका पानी बचता है ना, आप वो भी इसमें दे सकते हैं, और अगर नहीं देना चाहते तो फेंक दे सकते हैं। मैंने यहाँ दे दिया उसी गर्म पानी को। दोस्तों वो जो भुना हुआ मटर है ना, अब इसमें ऐड करेंगे। अब इससे 5 मिनट तक खुला थाल, इसको ढक नहीं देंगे, खुले में ही पका देंगे इसे बिना ढक्कन का। दोस्तों सब्जी अब हो गया, हम गैस को करेंगे बंद और इसे करेंगे डिशअप।
दोस्तों सब्जी हमारा हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए। और इस सब्जी को आप चावल के साथ, रोटी के साथ या पूरी के साथ खा सकते हैं। ये और गाढ़ा हो जाएगा ठंडा होने के बाद। तो बाय बाय।